राजधानी में बारिश के बीच कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी एवं जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोपाल मीणा के नेतृत्व में राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा की जा रही अघोषित बिजली कटौती तथा बिजली की दरों की में की गई वृद्धि, पेयजल उपलब्ध करवाने में विफल रहने तथा प्रदेश में बेपटरी कानून व्यवस्था के कारण फैली अराजकता के विरोध एवं नगर निगम एकीकरण के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राजाखेड़ा विधायक एवं जयपुर शहर जिला कांग्रेस प्रभारी रोहित बोहरा, जयपुर जिला देहात कांग्रेस कमेटी प्रभारी आर सी चौधरी, जयपुर जिला देहात और राजस्थान का प्रजंगा जो पंची से मुख्यमंत्री बना, 8 करोड़ जनता का पूरा राजस्थान बाढ़ में डूबा हुआ है। राजस्थान के करोड़ों लोगों के घरों में पानी नहीं जा पा रहा, करोड़ों लोगों को हम पूरी बिजली सप्लाई नहीं की जा रही और भजनलाल अपने मित्रों के साथ में पिक्चरों में बैठ करके पिक्चरें देख रहे हैं। ये राजस्थान सरकार का एक नमूना है। मेरी आवाज है, बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। पानी बिजली दे न सके वो सरकार निकम्मी है। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर, जहां हम आपको बता दें कांग्रेस की ओर से आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जो बिजली और पानी और नगर निगम एकीकरण को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां हमारे साथ खास बातचीत के लिए गोपाल मीणा जो कि ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष है, उनसे हम जानेंगे आज किस बात को लेकर यहाँ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज वो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। आप ये बताएंगे गोपाल जी, आज किस बात को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया? आज का जो धरना है शहर कांग्रेस को और देहात कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हुआ है। ये जो कानून व्यवस्था है नगर निगम की, दो नगर निगमों को ये करने का है, बिजली पानी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, इसके विरोध में ये धरना दिया गया है। सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, 8 महीने में कुछ कर नहीं पाई। इनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि 8 महीने में हमारी सरकार का अभी तक पता ही नहीं लगा कि हमारी सरकार आ गई है। तो इनका मेरे हिसाब से पूरे 5 साल में जाकर इनका पता लगेगा कि हमारी सरकार है या नहीं है। जब नहीं होगी, जब ये बात करेंगे, तो इनकी स्थितियाँ बहुत ख़राब है। जो गांवों में जो बिजली की बहुत व्यवस्था ख़राब है, बिजली नहीं आ रही है, घोषित बिजली काटी जा रही है, और उसके विरोध में हमने यहाँ पर धरना दिया है। और निश्चित रूप से जो सरकार की आँखें वो खुलनी चाहिए, जो हमारे टाइम में, जो हमारी कांग्रेस सरकार के टाइम में जो चिरंजीव जैसी योजनाएं हैं और भी जो जनहित की योजनाएं हैं, उनको ये बंद कर रहे हैं या उनकी कमज़ोर कर रहे हैं। ये स्थितियां ये सरकार की है। मैं समझता हूं कि सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। अभी जब हमारे भाकर जी MLA हैं, उनको 6 महीने का जो निलंबित किया गया है, वो भी एक निंदनीय है। लोकतंत्र में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ को कर रहे हैं, अगर MLA अगर उसकी मांग को नहीं उठाएगा तो फिर जनता की आवाज़ को कौन उठा पाएगा? इसलिए ये चीज़ें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं लगभग मैंने भी यहाँ कवरेज की है, कम से कम 3 धरने पहले भी दे चुके हैं कांग्रेस की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं उसका समाधान होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको? सरकार गूंगी हो चुकी है। ये सरकार पर्ची की सरकार है, और पर्ची की सरकार का तो ऊपर से जब पर्ची आएगी जब ही कोई समाधान होगा, ये तो कर नहीं सकते। इसलिए इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ये कब क्या कुछ कर सकती है, मेरे हिसाब से तो समझ में आ नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जिला देहात और शहर है, वो जनता की आवाज़ को हर समय उठाती रहेगी। और नगर निगम को दो नगर निगमों को एक करने की जो बात कर रहे हैं, हमारी देहात की तरफ से भी शहर कांग्रेस को पूरा समर्थन है। जब भी ये धरना या प्रदर्शन करेंगे, हम पूरे दलबल के साथ में यह इनके वहीं हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष RR तिवारी भी मौजूद है। उनसे भी हम जानेंगे आज क्यों विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि
पिछली बार भी लगभग 3 बार विरोध कर चुके हैं कांग्रेस की ओर से, वही हमारे साथ खास बातचीत के लिए आर तिवाड़ी मौजूद हैं, उन समझानेंगे आपको। हमने पहले भी देखा है कि पहले भी आपने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें नहीं मानी जा रही है कांग्रेस की, तो ऐसा क्या मामला है? राजस्थान में केवल जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ऐसी थी जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो जननायक अशोक गहलोत जी ने खोले थे गरीब बच्चों के लिए, महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल, ये तुगलक के आदेश जारी किया था शिक्षा मंत्री जी ने कि हम इनको बंद करेंगे। राजधानी की कांग्रेस ने सबसे पहले आवाज़ उठाई और हमने मांग की थी कि महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल बंद नहीं किए जाने चाहिए। 10,000 वो जो कर्मचारी जो काम कर रहे थे वहाँ, वेतन ले रहे थे, उनका क्या होगा? 7 लाख बच्चे जिनका एनरोलमेंट हो गया था जो पहली क्लास से लेकर के 12th तक थे, हमने कहा इन बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और जब मंत्री का बेटा तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, गरीब और मध्यम वर्ग का बेटा हिंदी स्कूल में पढ़ेगा, हमने आवाज़ उठाई और आज भारतीय जनता पार्टी की भजन सरकार को अंग्रेजी माध्यम स्कूल को चालू रखने का निर्णय लेना पड़ा। पानी बिजली के मामले में भी जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मई के अंदर जब 46-47 डिग्री जयपुर का तापमान था, हमारे जयपुर शहर के ब्लॉक अध्यक्षों ने, शहर के पदाधिकारियों ने, मंडल अध्यक्षों ने, वार्ड अध्यक्षों ने, पार्षदों ने मिलकर के शहर के 8 विधानसभा क्षेत्र के 16 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के माध्यम से हमने पानी PSD के कार्यालय के बाहर, RSCB के कार्यालय के बाहर हमने बड़े धरने प्रदर्शन किए। उससे व्यवस्था ठीक दिया कुमारी जी के विद्याधरनगर विधानसभा, तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में और उप मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है और वो 8 करोड़ लोगों की कानून व्यवस्था की ठीक करते, मेरा दावा है कि अशोक गहलोत जी की जो 5 साल सरकार चली थी उससे ज़्यादा क्राइम तो 8 महीने में हो गया। इसलिए आज हमने शहर कांग्रेस की तरफ से, देहात कांग्रेस की तरफ से हमने धरना दिया। और एक बात और थी कि पर्ची की सरकार लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। जब अब नई संसद बना रहे हो कि साहब 900 सांसद बनेंगे, जब विधानसभा का 2027 का चुनाव होगा तो विधानसभा के 200 विधानसभा के सदस्य ज़्यादा आप 240 या 250 कर रहे हो, तो जब स्थानीय निकाय है वो तो 10-12 हज़ार का नेता है जो गली मोहल्ले में सफाई कराता है, बिजली लाता है, पानी की व्यवस्था करता है, हेडपम्प खुलाता है, 250 वार्डों की जगह आप उसको समेटना चाहते हो, जनता का गला घोटना चाहते हो, कार्यकर्ताओं का गला घोटना चाहते हो। हमारा जयपुर नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर में 250 साथी हैं हमारे यहाँ, तो उनका भी तो साथी लड़ेगा, BJP का भी तो कर। ज्ञापन वगैरह दिया गया है? आज हमने राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया जिलाधीश महोदय को और हमने मांग किया कि एकीकरण नहीं होने देंगे, गाँव में जो अघोषित बिजली की कटौती 8-8, 10-10 घंटे की हो रही वो नहीं होने देंगे, कानून व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, अन्यथा शहर कांग्रेस और देहात कांग्रेस कमेटी इससे ज़्यादा बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हमारा धरना है, इस भारी बारिश के बावजूद हम सब साथियों ने आज यहाँ संकल्प लिया है कि ना तो निगम का एकीकरण होने देंगे, कानून व्यवस्था को ठीक कराएंगे और पानी बिजली की सुव्यवस्था करिए सरकार, इसके लिए आज हम सब यहाँ बैठे थे। ये थे आज हमारे साथ RR तिवाड़ी, जिन्होंने बताया एक भारी रोष इनके अंदर देखा जा रहा है, जो बताया जा रहा है पिछली बार भी इन्होंने कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन इनके द्वारा किए गए थे, लेकिन आज भी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। बताया जा रहा है कि बिजली, पानी और कानून व्यवस्थाओं को लेकर और नगर निगम एकीकरण को लेकर आज विरोध प्रदर्शन इनकी ओर से दर्ज किया गया है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।